हेलो फ्रेंड्स, क्रिस्टल डिबेट्स के आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे लाइन डिबेट्स, प्लेन डिबेट्स और वॉल्यूम डिबेट्स के बारे में। पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन और पॉइंट डिबेट्स के बारे में पढ़ लिया है। लाइन डिबेट्स को हमने दो भागों में बांटा है, एज डिसलोकेशन और स्क्रू डिसलोकेशन। एज डिसलोकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं सिरा विस्थापन। एज डिसलोकेशन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स इन मिडवे डिस्टोर्स नियर प्लेन्स ऑफ एटम्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा हाफ प्लेन की मौजूदगी की वजह से जो उसकी स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। एटम्स अबाउट डिसलोकेशन लाइन आर स्क्वीज्ड व्हाइल बिलो आर पुल्ड अपार्ट। डिसलोकेशन लाइन के ऊपर के जो एटम्स है वो स्क्वीज्ड हो जाते हैं, जबकि उसके डिसलोकेशन लाइन के नीचे का जो नीचा का जो पार्ट है वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं। जो प्लेन होते हैं वो एक दूसरे से पुल्ड अपार्ट। डिसलोकेशन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेज। जो डिसलोकेशन लाइन होती है वो प्लेन ऑफ पेज के परपेंडिकुलर होती है। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एज डिसलोकेशन इज शोन बाय बर्गर वेक्टर। बर्जर वेक्टर के द्वारा एज डिसलोकेशन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो किया जाता है। बर्जर वेक्टर को निकालने का क्या तरीका है, मूव अराउंड द डिसलोकेशन लाइन मेकिंग इक्वल स्टेप्स इन ईच डायरेक्शन, द वेक्टर दैट गोज फ्रॉम फिनिश टू स्टार्ट इज द बर्जर वेक्टर। जो डिसलोकेशन लाइन है उसके हमें चारों ओर क्लोज डायरेक्शन में ऐसे मूव करना है कि एच डायरेक्शन में हमें इक्वल स्टेप लेते हुए चलना है। अब जो एंड पॉइंट है और शुरुआती पॉइंट है उसके बीच में जो गैप आ जाता है उसको हम कहते हैं बर्जर वेक्टर। एच डिसलोकेशन लाइज परपेंडिकुलर टू इट्स बर्गर वेक्टर। जो एच डिसलोकेशन होता है वो बर्जर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। दिस डिसलोकेशन क्रिएट्स नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन क्रिस्टल। इस डिसलोकेशन की वजह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसमें नॉर्मल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन उत्पन्न होते हैं। इस डायग्राम में हम एज डिसलोकेशन को इजीली समझ सकते हैं। अब इसमें यदि हम देखें इस प्लेन के ऊपर, देखो इस प्लेन के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन है, एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम्स है, और इसके जो नीचे का प्लेन है उसमें वो एक्स्ट्रा हाफ प्लेन नहीं है। इसकी वजह से जो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिपेक्ट हो जाती है, हमारी डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब देखते हम स्क्रू डिसलोकेशन। स्क्रू डिसलोकेशन रिजल्ट्स फ्रॉम शियर डिस्टॉर्शन। जो स्क्रू डिसलोकेशन होता है वो किसके रिजल्ट होता है, शियर डिस्टॉर्शन की वजह से स्क्रू डिसलोकेशन होता है। मूव अराउंड द डिसलोकेशन लाइन मेकिंग इक्वल स्टेप्स इन ईच डायरेक्शन, द वेक्टर दैट गोज फ्रॉम फिनिश टू स्टार्ट इज द बर्गर वेक्टर। अब स्क्रू डिसलोकेशन में स्क्रू डिसलोकेशन में बर्जर वेक्टर्स को निकालने का वही मेथड है जो हम काम में लेते हैं एज डिसलोकेशन में। इसमें भी हमें बर्जर वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है डिसलोकेशन का। ए स्क्रू डिसलोकेशन लाइज पैरेलल टू इट्स बर्गर वेक्टर। स्क्रू डिसलोकेशन में जो स्क्रू डिसलोकेशन होता है वो बर्जर वेक्टर्स के पैरेलल होता है, जबकि एज डिसलोकेशन में ये परपेंडिकुलर होता है। ए स्क्रू डिसलोकेशन मूव्स इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बर्जर वेक्टर। जो स्क्रू डिसलोकेशन होता है वो बर्गर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। यह स्क्रू डिसलोकेशन का एक डायग्राम है जिससे हम इजीली समझ सकते हैं कि स्क्रू डिसलोकेशन क्या होता है, बर्जर वेक्टर्स क्या है। इसमें हमें एज डिसलोकेशन भी बताया हुआ है और स्क्रू डिसलोकेशन भी बताया हुआ है।
वेज टू अवॉइड डिसलोकेशन। अब किन किन तरीकों से हम डिसलोकेशन को अवॉइड कर सकते हैं? यूज सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल का यूज करके हम डिसलोकेशन को बचा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सिंगल क्रिस्टल को बनाना बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। यूज स्पेशली विद लार्ज आइटम्स लाइक टर्बाइन ब्लेड। जो टर्बाइन ब्लेड होती है वो जनरली सिंगल क्रिस्टल की बनी होती है। जो दूसरा तरीका है वो है वर्क हार्डनिंग के द्वारा, स्ट्रेटनिंग बाई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल। दिस मूव्स ऑल डिसलोकेशन ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज। ये जो वर्क हार्डनिंग होती है इसके द्वारा जो डिसलोकेशन होती है उसको हम ग्रेन बाउंड्रीज पे विस्थापित कर देते हैं। डिसलोकेशन एसेंशियली बिकम पार्ट्स ऑफ द ग्रेन बाउंड्रीज। और वर्क हार्डनिंग के द्वारा जो डिसलोकेशन होता है उसको हम ग्रेन बाउंड्रीज का पार्ट बना देते हैं, वो उसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में नहीं रखते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो ग्रेन बाउंड्रीज है वहाँ पर उसको विस्थापित कर देते हैं, ग्रेन से बाहर निकल के उसको ग्रेन बाउंड्रीज पर विस्थापित कर देते हैं बाई वर्क हार्डनिंग। एक और जो तरीका है वो है इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी एटम्स। इम्प्योरिटी एटम्स का यूज़ करके हम डिसलोकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। एलोइंग एलिमेंट का यूज़ करके हम डिसलोकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इम्प्योरिटी फेजेस दैट पिन द मोशन ऑफ डिफेक्ट्स। एन इम्प्योरिटी एटम्स स्टॉप्स द मोशन बिकॉज इट इज ऑफ डिफरेंट साइज और मेक्स ए स्ट्रोंगर बॉन्ड। जो इम्प्योरिटी एटम्स होता है वो जो हमारा डिसलोकेशन होता है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। जो इम्प्योरिटी एटम होता है हमारा इम्प्योरिटी एटम होता है वो जो मोशन होता है उसको स्टॉप्स कर देता है। क्यों? क्योंकि एक अलग साइज़ का होता है, ये जो ये एटम होता है वो डिफरेंट साइज़ का होता है और स्ट्रोंगर बॉन्ड बनाता है, तो डिसलोकेशन इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। डिसलोकेशन में बी गुड और बेड डिपेंडिंग ऑन वेदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज डिजायरेबल और नॉट। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की उपयोगिता के अनुसार हमारा जो डिसलोकेशन होता है वो हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यदि हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चाहिए तो हम चाहेंगे कि डिसलोकेशन हो, और यदि हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो हम चाहेंगे कि डिसलोकेशन मूव नहीं हो। लाइन डिफेक्ट्स के बाद में हम पढ़ रहे हैं सरफेस डिफेक्ट्स और प्लानर डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद ग्रेन बाउंड्रीज। जो ये सरफेस डिफेक्ट्स और प्लानर डिफेक्ट्स होते हैं ये ग्रेन बाउंड्रीज से रिलेटेड होते हैं। ये एक थ्री डायमेंशनल फिनोमिना है, नहीं सॉरी ये टू डायमेंशनल फिनोमिना है। ग्रेन बाउंड्रीज, बाउंड्री सेपरेटिंग द टू ग्रेन्स और क्रिस्टल हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। ग्रेन बाउंड्रीज क्या होती है? ये दो डिफरेंट ओरिएंटेशन लिए हुए क्रिस्टल के बीच की बाउंड्री होती है। दो क्रिस्टल होते हैं जिसमें ग्रेन का ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो उनके बीच में एक ग्रेन बाउंड्रीज होगी। द एटम्स नियर द बाउंड्रीज आर स्लाइटली डिसऑर्डर्ड एंड हैव हायर एनर्जी देन दोज विद इन ग्रेन्स। अब जो ग्रेन बाउंड्रीज के पास के एटम है वो थोड़े डिसऑर्डर मैनर में होते हैं, और उनकी जो एनर्जी होती है जो ग्रेन में जो एटम होते हैं उनकी अपेक्षा थोड़ी इनकी एनर्जी हाई होती है। इस चित्र के माध्यम से हम ग्रेन बाउंड्रीज को समझ सकते हैं। एक ये ग्रेन है, एक ये ग्रेन है, इस ग्रेन में एटम का ओरिएंटेशन अलग टाइप का है, और एक ये ग्रेन है इसमें एटम के ओरिएंटेशन अलग टाइप का है। इन दोनों के बीच में ये ग्रेन बाउंड्रीज है। एक ये तीसरा क्रिस्टल है जिसमें एटम का ओरिएंटेशन अलग तरह का है, तो इन दोनों के बीच में एक ये ग्रेन बाउंड्रीज हो गई। इस प्रकार दो अलग अलग ग्रेन में जिनमें एटम का ओरिएंटेशन अलग अलग हो उनके बीच में ग्रेन बाउंड्रीज पाई जाती है।
अब ग्रेन बाउंड्रीज के क्या रोल है? एट टेम्परेचर 0. बिलो द 0.5 टीएम, टीएम का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो एट टेम्परेचर टी विच इज बिलो द हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर द ग्रेन बाउंड्रीज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टेकल टू डिसलोकेशन मोशन गिविंग स्ट्रेंथ टू ए मेटेरियल। अब जो ग्रेन बाउंड्रीज होती है वो मेटेरियल को स्ट्रेंथ प्रदान करती है, जो ये डिसलोकेशन होता है उनकी डिसलोकेशन के मोशन में बाधा उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन मूव नहीं कर पाते हैं और वो मेटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ग्रेन बाउंड्रीज का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है उस मेटेरियल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। यदि टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के हाफ से कम हो तो ग्रेन बाउंड्रीज उस मेटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। एट हाइयर टेम्परेचर द टेंड टू वीकन ए मेटेरियल एज ग्रेन बाउंड्रीज स्लाइडिंग में अकर, और यदि हाइयर टेम्परेचर है तो ग्रेन बाउंड्रीज है फिर वो उस मेटेरियल को कमज़ोर कर देती है, लीडिंग टू प्लास्टिक फ्लो, और प्लास्टिक फ्लो ईजी हो जाता है उसमें। इन जनरल फाइन ग्रेन मेटेरियल आर स्ट्रोंगर देन कोर्स ग्रेन, जनरली जो मेटेरियल होते हैं यदि ग्रेन है वो फाइन है तो वो स्ट्रोंगर होते हैं अपेक्षा जब ग्रेन है वो कोर्स हो, तो कोर्स ग्रेन मेटेरियल की अपेक्षा फाइन ग्रेन मेटेरियल है वो थोड़े स्ट्रोंगर होते हैं, बिकॉज दे हैव मोर ग्रेन बाउंड्रीज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जो ग्रेन फाइन ग्रेन है वो मेटेरियल उनमें ग्रेन बाउंड्रीज ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए उनकी स्ट्रेंथ है वो हाई होती है और वो कोर्स ग्रेन मेटेरियल से स्ट्रोंगर होते हैं। ट्यूनिंग, ये भी एक सरफेस डिफेक्ट है, ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्रेन बाउंड्री है जिसमें मिरर लिटरी सिमेट्री बनती है। अकर्स वन डिफिनाइट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन एंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंडेंट। तो जो ट्यूनिंग होती है वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड होती है, और ये एक ग्रेन बाउंड्री का स्पेशल फिनोमिना है जिसमें मिरर लैटिस सिमेट्री बनती है। ट्यूनिंग है वो मैकेनिकल ट्यूनिंग भी हो सकती है और एनीलिंग ट्यूनिंग भी हो सकती है। मैकेनिकल ट्यूनिंग में शियर फोर्स के द्वारा ट्यूनिंग फिनोमिना अचीव किया जाता है, जबकि एनीलिंग ट्यूनिंग में हीटिंग प्रोसेस के द्वारा ट्यूनिंग अचीव की जाती है। अकर्स इन मेटल्स विथ एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिन मेटल्स की स्ट्रक्चर एफसीसी क्रिस्टल की होती है, जिन क्रिस्टल की स्ट्रक्चर एफसीसी स्ट्रक्चर लिए होती है उन मेटल्स में ये ट्यूनिंग इजीली पाई जाती है, जो एनीलिंग ट्यूनिंग होती है वो। जबकि जो मैकेनिकल ट्यूनिंग होती है वो बीसीसी और एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इजीली अचीव की जाती है। ये ट्यूनिंग का डायग्राम है जिसमें मिरर लैटिस स्ट्रक्चर बन रही है, ये ट्यूनिंग प्लेन है बीच में। अब है वॉल्यूम डिफेक्ट्स और बल्क डिफेक्ट्स, ये एक थ्री डायमेंशनल फिनोमिना है। वॉल्यूम और बल्क डिफेक्ट्स है, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन। जो ये वॉल्यूम डिफेक्ट्स और बल्क डिफेक्ट्स होता है वो फैब्रिकेशन के दौरान होता है और प्रोसेसिंग के दौरान ये वॉल्यूम डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं। एग्जाम्पल है पोर्स और क्रैक्स, किसी मटेरियल में पोर्स या क्रैक्स के मौजूद होने का मतलब है कि उसमें वॉल्यूम डिफेक्ट्स है और बल्क डिफेक्ट्स है। पोर्स क्या होता है, जब गैसेज ट्रैप हो जाती है ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन, जब हम किसी मटेरियल को सोलिडिफाई करते हैं तो उस दौरान यदि उसमें गैस है वो ट्रैप हो जाती है तो वहाँ पे पोर्स बन जाते हैं, और क्रैक्स होता है वो इम्प्रॉपर श्रिंकेज ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन। अब यदि हम मटेरियल को
सॉलिड पे कर रहे हैं और प्रॉपर उसको श्रिंकेज नहीं मिला, तो इम्प्रॉपर श्रिंकेज की वजह से उसमें क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। ये एग्जांपल है वॉल्यूम डिपेंड्स के और बल्क डिपेंड्स के। फॉरेन इंक्लूजन एंड अदर फेजेस, जो वॉल्यूम डिपेंड्स होता है और बल्क डिपेंड्स होता है, दे आर ऑलवेज अनडिजायरेबल। डिक्रीजेज मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रमोट फ्रैक्चर, वॉल्यूम डिपेंड्स की वजह से मेटल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है और ये एक फ्रैक्चर को प्रमोट करते हैं। इस प्रकार ये हमने जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स है उसके लाइन डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स और वॉल्यूम डिफेक्ट्स के जो बाकी बचे हुआ पार्ट था वो हमने देखा है। थैंक यू।